सो दोबारा से कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम ऑल इन हिमांशु ब्लॉग। सो हो गई है भाई शाम लखनऊ में, हमारी भी शाम हो गई है, कपड़े वपड़े भी चेंज हो गए हैं, जगह भी चेंज हो गई है। और अभी मैं अपने छत में टहल रहा हूँ यहाँ पे होटल की। यार थोड़ा सा ना चश्मा लिया तो स्टाइल मार ही लेता हूँ। 100 रुपये का चश्मा लिया है मैंने, कैसा लग रहा है बता देना ठीक है, लखनऊ से। तो ये लखनऊ की तंग गलियाँ, ठीक है। और अपन अभी जा रहे हैं, अभी आप लोगों के सामने कवर करेंगे हम टुंडे, अमीनाबाद के टुंडे के कबाब, ठीक है। तो कैसे होते हैं, मेरे को बहुत लोगों से रिकमेंडेशन आ रही थी कि लाइक यार तू लखनऊ में है भाई, तो टुंडे के कबाब खा के आई हो, तू लखनऊ में है, तू ना यार शर्मा जी की चाय पी के आई हो, तू लखनऊ में है, अरे यार भूल भुलैया घूम के आई हो। तो भाई कहाँ तो कहाँ जाऊँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट अभी जगमोहन जी कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम टुंडे जा रहे हैं, हम टुंडे के कबाब, हाँ सिर्फ टुंडे के कबाब कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यार क्योंकि मन है यार कबाब खाने का, इसलिए हम लोगों ने सुना है आज देख के भी आते कि लखनऊ में आ रखे और टुंडे के कबाब देखते हैं, सुना सुनने में यार खाने में अलग है ना, आज खा के देखते हैं कि खा के कैसा है। और भाई मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, हमारा निकलने वाला मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया है, बरसात तो होने दी खैर, बट इस साइड ना पूरे बादल आ रखे हैं, तो मतलब कभी भी बरसात हो सकती है। बरसात भी आकर चली गई, हम टुंडे के कबाब खाने जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं आपके लोकेशन में, अब चलते रहेंगे। सुबह से आप हमको पहले आदमी मिले हो जिन्होंने जायज पैसा बताया, वरना सब हमको सब लूट रहे हैं सुबह से, एक एक किलोमीटर के 40-40 रुपए ले रहे हैं हमसे। कोई बात नहीं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। भाई हम निकल चुके हैं अपनी ये इलेक्ट्रिक वाली सवारी में अमीनाबाद के लिए, और टुंडे के कबाब खाने। भाई टुंडे के कबाब में ऐसा क्या मिलता है वहाँ पे, हैं एकदम बढ़िया बनाते हैं यार, नाम ही नाम है या थोड़ा बढ़िया है? अच्छा बढ़िया है, तभी भैया भी हमको बोल रहे हैं कि बढ़िया है। तुम क्या लग रही है, हम थोड़ा लखनवी भाषा में बोलने लग गए हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ की भाषा में बहुत बहुत तहजीब है कि नहीं भैया, सब आपसे बात करते हैं, बहुत मजा आता है यार, ऐसा लगेगा कि आप को जब जिससे बात कर रहे हैं तो आपको वो इज्जत दे रहा है, इज्जत वैसी वाले नहीं, इज्जत दे रहा है इन द सेंस की रिस्पेक्ट। भारत पेट्रोलियम वालों ने यहाँ पे भी नहीं छोड़ा भाई, हर छोटे छोटे नुक्कड़ शहरों में भी अपना पेट्रोल पंप बना के रखा है। अरे भाई हम निकल पड़े हैं अमीनाबाद के लिए, और ये जगह जो है ना ऐसी मजा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप सही में महाराजाओं के शहर में हैं। मैं दिखाता हूँ आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, हर जगह नुक्कड़ नुक्कड़ में गोल चक्कर चौराहे मिलेंगे, और इसकी भाई नक्काशी देखो जरा तुम, ये देखिए, ये देखो मेरे पीछे देखो, ये ऐसे गेट बना रखा है, इस तरीके से बना रखा है, आपको लगेगा कि हाँ भाई पुराने ज़माने में कोई रहता था यहाँ, और ये उस ज़माने की बनी हुई है, अब तक कोई भी नहीं इनको तोड़ पाया, वरना ये टूटी है। मिलते हैं अब टुंडे पे, बहुत बोल लिया मैंने, आप कुछ खाएंगे? लग रहा है कि हम ऐसा लग रहा है कि कोटला मार्केट में घूम रहे हैं या फिर चांदनी चौक मार्केट में, यहाँ पे मार्केट है ना, यहाँ कपड़े देखेंगे आपको, यहाँ पे भी कपड़े, यहाँ पे भी कपड़े, और दोनों साइड है ना, और दोनों साइड कपड़े, टोपी, और ये लखनऊ की चिकन कारीगरी भी दिख जाएगी आपको। मैं सोच रहा हूँ कि एक लेके जाए मम्मी के लिए, यहाँ ना योगी साहब ने इनकी सही लगा रखी है, देखो दिल्ली में जिप्सी एसी में बैठते हैं और यहाँ पे घोड़ों में बैठ रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है ना, और वो हाइट से देख ले लेते हैं लोगों को कि हम हर जगह, हमारा नजरिया से कहते हैं ना यूपी पुलिस हर जगह। तो फिर भाई कितने कपड़ों की मार्केट है यार, ये देख रहे भाई हंसते खेलते आ गए हैं टुंडे के कबाब, क्योंकि आप हर वक्त में बोलता रहा, हर वक्त में बोलता रहा, आप सुनते रहे, और आज मैं तुम्हें लेके आ गया हूँ टुंडे कबाब ही पे, मेल्ट इन माउथ कबाब। भाई साहब क्या भीड़ है भाई, सही बढ़िया है। टुंडे वाले से थोड़ा इधर को आ गए हैं, अभी हम थोड़ा सोच रहे थे यार पहले शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी लग रही है हम लोगों को, पहले कुछ ले लेते हैं उसके बाद खाएंगे, क्योंकि फिर हमने घर जाके सो, घर यार घर की याद आ रही, फिर होटल में जाके फिर सोना ही है ना, इससे अच्छा पहले कुछ घूम लेते हैं, फिर पेट पूजा करेंगे, उसके बाद आज IPL फाइनल भी है वो भी देखना है, और उसके बाद फिर आपको टुंडे के पास लेंगे। भाई इस मार्केट में घूमते हुए हमको लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, और 15 मिनट में हमने ये जान लिया है कि ये हम दिल्ली वाली चांदनी चौक में ही घूम रहे हैं, बट फ़र्क इतना है ये बहुत चौड़ी है और बहुत बड़ी है, चांदनी चौक ना गलियों में है बट बहुत छोटी है, बट ये बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी अमीनाबाद कपड़ों की दुकान पर भर रही है। तो भाई अब हमको लग रहा है कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले पाएंगे, अब हम टुंडे वाले के पास ही जाते हैं, कुछ खाते हैं उसके बाद फिर मैच देखेंगे, बढ़िया कवर करते हैं कीमा पराठा,
उसके बाद फिर चलेंगे। ये कुछ हसीन चेहरे आप लोगों के सामने, अर्शद वारसी भी आ चुके हैं यहाँ पे, राजेश खन्ना भी आ चुके हैं, अमिताभ बच्चन, ओ भाई साहब सारे लोग ही आ चुके हैं भाई यहाँ पे। जगमोहन जी सिर्फ हम ही नहीं आए थे, बाकी सारे लोग आ चुके हैं, सारे हीरो आ रहे हैं भाई। ये देखो, इसका मतलब है कि हम असली टुंडे वाले कबाब में आए हैं, असली वाले में, है ना। अब देखते हैं बस मेन्यू कार्ड टुंडे कबाब का। ओ भाई साहब, ये है इस टुंडे कबाब के ओनर लखनवी अंदाज में। जगमोहन जी खोलना, इसको खोलो, उसको क्या है इसके अंदर ऐसा। देखिए ये कबाबी शॉट दिखा रहा हूँ आपको, इनके मुगलाई पराठे और ये बन रहे हैं इनके गलौटी कबाब, ये गर्मा गर्म ये भैया हमारे बना रहे हैं। आ चुके हैं हमारे ये टुंडे के स्पेशल कबाब और ये मुगलाई पराठे। तो गाइस कीमा पराठा, यार सॉरी कीमा पराठा यहाँ पे नहीं मिलता, पता नहीं किसने बोला कीमा पराठा मिलता है, बट ये है नॉर्मल मुगलाई पराठा इनका ये है, और ये है इनके कबाब। ओए होए 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 गाइस, पिघलने वाले कबाब हैं ये तो। लुक एट द टेक्सचर गाइस, टेक्सचर देखो इसका कबाब का, हमें टेस्ट करके बताइए। हैं यहाँ के टुंडे के कबाब, हम टेस्ट करके। भाई लग नहीं रहा तुम कबाब खा रहे हो, ऐसा लग रहा कि हमें जी मानते हैं। देखो ये एकदम इतना इतना सॉफ्ट है ना, मुंह में सीधा घुल रहा है जाके, इसलिए फेमस है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हम इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है। कैसा जगमोहन जी, कैसे लग रहे हैं? टेस्टी है, टेस्टी है। भीड़ देखो गाइस, भीड़ देख रहे हो इस टाइम पे। ये नीचे वाला फ्लोर है बेसमेंट का, उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर भी है, और इसके पीछे लोग यहाँ पे लखनऊ में ना पागल हैं, और हम भी पागल हो गए सीरियसली। बहुत टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और वहाँ पे भी लोग बैठे हैं सारे। और इसके अंदर दो रूम हो रहे हैं, हाँ, और ऊपर ये तो बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी है। पर भाई ये जो टेस्ट है ना, दिल्ली में तो नहीं मिल सकता, यहीं पर मिल सकता, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, मज़ा आ गया। तो गाइस खा लिए हमने, हमारा जो था ना एक मोस्ट क्रेविंग मोमेंट वो ख़त्म हो गया। हम बार बार सर्च कर रहे थे कि जिसको हम बार बार चाह रहे थे कि यार ये कब हमारे मुंह में जाएगा, और वो फाइनली जब गया ना, उसके बाद ऐसा लगा कि अब चला गया अपना जाए। मजाक कर रहे गाइस, बहुत अच्छा था। टुंडे इज वेरी गुड, टुंडे इज वेरी गुड, टुंडे कबाब इज वेरी गुड, ठीक है। और अपन अब चल रहे हैं अपने घर की तरफ, सॉरी होटल की तरफ, रूम में, क्योंकि मैच फाइनल स्टार्ट होने वाला है। 4 मिनट बचे हैं बस मैच शुरू होने में, तो कवर करते हुए जाएंगे बढ़िया अच्छी चीज़ें। यहाँ पे चिकन विकन देखा हमने एक दो, पर वो ना पसंद नहीं आया हमको, हमें लग रहा था कि हमें डुप्लीकेट ना भेज देना, इस वजह से हमने लिया नहीं। तो कल लेंगे बढ़िया वाला चिकन, और फिर आपको शर्मा जी की चाय भी कवर करनी है, बहुत जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम होटल में जा रहे हैं, उसके बाद में टाइम के मुताबिक हर चीज़ देखनी पड़ेगी ना, शेड्यूल बनाने पड़ते हैं। फिर भी यार मैं 3-4 ब्लॉग, बहुत मेहनत में लगती है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, है ना जगमोहन जी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि आप तो मेरे साथ करना पड़ रहा है। जगमोहन जी भी अभी मेरे से पूछ रहे थे कि यार तू मतलब ब्लॉग भी बना रहा, एडिटिंग करके पोस्ट भी कर दे रहा है, इतनी जल्दी जल्दी आप अपडेट्स भी देख रहे हो कैसे, क्योंकि टाइम लगता है टाइम, और जब मेरे पास टाइम होता है ना, मैं हमेशा आप लोगों के लिए ना ब्लॉग बनाता हूँ। आपने कभी भी देखा होगा, जब मेरे पास टाइम रहता है मैं हमेशा ब्लॉगिंग करता हूँ, बट जब बीच में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता ना तो मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, तो इसलिए ना मैं ना शुरू होने लगता हूँ कि भाई करनी है, और फिर जब करती है फिर टाइम नहीं मिल पाता, फिर स्टॉप हो जाता है। जब टाइम मिलता है, तो जब मेरे को टाइम मिलता है मैं तभी आपके पास आता रहूँगा ऐसे, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके। और अभी चल रात का समय है, 8 बज रहे हैं, और मेरे होटल के टेरेस से सामने का व्यू देखो यार, देख रहे हो, वो भी सामने होटल ही है बट उस पर हम गए नहीं। और ये देखिए गाइस, ये सामने है चर्च, बाकी तो और सब बिल्डिंग्स ही हैं, और तो कुछ है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अंधेरा और उजाला कैसे आ रहा है, फिर जब मैं जूम कर रहा हूँ ना तो मेरा जो स्क्रीन बैलेंस है और जो स्क्रीन की लाइट है वो ऑन हो जा रही है, उसका जब मैं जूम कम कर दे रहा हूँ तो ये अंधेरा हो जा रहा है। देखा, हर किसी के फ़ोन में नहीं होती है फैसिलिटी, ये भैया कहाँ किस किस। तो गाइस टुंडे भी कवर कर लिए हमने, और जगमोहन जी भी थक गए हैं, वो भी रेस्ट कर रहे हैं, और मैं भी थक गया और मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ। हमारा मैच चल रहा है आगे, उधर देखो उधर मैच चल रहा है, मैच देखते हैं उसके बाद फिर सोएंगे। फिर सुबह एक्चुअली कुछ काम है हमको, अर्जेंट ऑफिशियल वहाँ जाना है, उसके बाद फिर बैक टू दिल्ली।
फिर कल ही दिल्ली, तो कल दिल्ली वाला ब्लॉग भी बनाएंगे है ना। नहीं कल जैसे काम करते हैं उसका भी ब्लॉग बनाएंगे? नहीं उसका नहीं बनाऊंगा मैं, ऑफिशियल है ना उसका नहीं बनाएंगे, बाकी ओके। अपन क्या करेंगे, कुछ और कवर करेंगे कल जाने से पहले, कुछ और देखेंगे क्या है यहाँ पे बढ़िया, ठीक है जगमोहन जी? यस। उसके बाद फिर दिल्ली, बैक टू दिल्ली वाला ब्लॉग बनाएंगे, लखनऊ टू दिल्ली का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपने पेरेंट्स को परेशान मत करना, हमेशा खुश रहना और ऐसे ही प्यार करते रहना, और मेरे को भी प्यार करते रहो, और बहुत जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो गाइस। अब बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने लेके आने वाला हूँ मैं, तो बाय, लव यू, बाय।